हेलो दोस्तों, हम कल पढ़ चुके थे किसके बारे में, अवतल दर्पण के बारे में, और दूसरा किसके बारे में, उत्तल दर्पण के बारे में पढ़ चुके थे। ठीक है, अब हम लास्ट में क्या पढ़ रहे थे, फोकस बिंदु क्या होता है और फोकस दूरी क्या होती है। ठीक है, तो एक बार और हम किसके बारे में यहाँ पढ़ेंगे, पहले तो अवतल दर्पण के बारे में और उत्तल दर्पण के बारे में। उसमें हम क्या पढ़ेंगे, इसमें दो वर्ड काम में आते हैं, एक तो आता है क्या, अभिसारी, और दूसरा क्या होता है, अपसारी होता है। तो हम यहाँ पर क्या देखेंगे कि अभिसारी का मतलब क्या होता है और अपसारी का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं इसमें कि एक तरफ तो हम ले लेते हैं कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण। ठीक है, एक तरफ तो हमने क्या ले लिया, अवतल दर्पण ले लिया, और एक तरफ क्या ले लेते हैं हम, उत्तल दर्पण ले लेते हैं। एक तरफ तो क्या ले लिया, अवतल दर्पण, और दूसरी तरफ हमने क्या ले लिया, उत्तल दर्पण ले लिया। ठीक है, तो देखो अवतल दर्पण मैंने क्या बताया था कि हमारे पास एक कांच के खोखले गोले में से हमने क्या कर दिया था, कुछ भाग क्या कर दिया था, काट दिया था, और उसके उभरे हुए पृष्ठ पर क्या कर दी थी हमने, पॉलिश कर दी थी। तो जो दर्पण बन रहा था हमारे पास, कौन सा दर्पण बन रहा था, अवतल दर्पण बन रहा था। ठीक है, उत्तल दर्पण में क्या होता था हमारे पास कि ये वो ही हमने कांच के खोखले गोले में से क्या कर दिया था, हमने कुछ भाग क्या कर दिया था, काट दिया था, और इसके दबे हुए पृष्ठ पर हमने क्या कर दी थी, पॉलिश कर दी थी। तो ये हमारे पास कौन सा दर्पण बन जाता है, हमारे पास उत्तल दर्पण बन जाता है। ठीक है, फिर हमने इनसे संबंधित परिभाषाएं पढ़ी थी क्या, कि मैंने बताया था कि सबसे पहले हम कौन सा बिंदु देखते हैं, ध्रुव बिंदु देखते हैं। ध्रुव क्या होता है, पहली परिभाषा, दर्पण का मध्य बिंदु क्या कहलाता है, ध्रुव कहलाता है। ठीक है, इसमें भी दर्पण का मध्य बिंदु क्या कहलाता है, ध्रुव कहलाता है। सेकेंड परिभाषा क्या थी, वक्रता केंद्र थी, वो क्या होती है कि ये किस में से काट कर बनाया गया था, हमारे पास गोले में से काट कर बनाया गया था। तो इस गोले का जो केंद्र होता है हमारे पास, वो क्या होता है, वक्रता केंद्र होता है, जिसे हम किससे व्यक्त करते थे, सी से व्यक्त करते थे। अब ये गोला नहीं रहा तो हम इसको क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। तो ये क्या कहलाता है हमारे पास, वक्रता केंद्र। इसमें भी हमारे पास यहाँ पर क्या होगा, एक वक्रता केंद्र, जिसे हम किससे व्यक्त करते हैं, सी से व्यक्त करते हैं। ठीक है, इसके बाद मैंने तीसरी परिभाषा किसकी बताई थी, मुख्य अक्ष की। मुख्य अक्ष क्या होता है, वक्रता केंद्र और ध्रुव के को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष कहलाती है। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर ये ध्रुव है और ये वक्रता केंद्र है, और इन दोनों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष कहलाती है। इतना हम पढ़ चुके थे। इसके बाद हमारे पास अगली परिभाषा हम क्या पढ़ते थे, वक्रता त्रिज्या पढ़ते थे, जो कि क्या होती थी हमारे पास, वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी, चाहे इसमें देख लो चाहे इसमें देख लो, वक्रता केंद्र और ध्रुव के मध्य की दूरी को हमने क्या कहा था, वक्रता त्रिज्या कहा था। ठीक है, इसके बाद हम किसकी बात कर रहे थे, फोकस बिंदु की बात कर रहे थे, है ना। तो अब पहले हम बात करते हैं किसकी, फोकस बिंदु की। देखो ये हमारे पास कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है, उभरे हुए पृष्ठ पर क्या है हमारे पास, पॉलिश है। मान लीजिए यहाँ से प्रकाश आ रहा है, और प्रकाश की क्या आ रही है हमारे पास, एक किरण आ रही है, ये प्रकाश की क्या है, किरण है। ठीक है, अब ये जो किरण आ रही है, ये कैसी आ रही है, ये जो मुख्य अक्ष है इसके पैरेलल आ रही है, यानी कि क्या आ रही है, समांतर आ रही है, मुख्य अक्ष के क्या आ रही है, समांतर आ रही है। अब ये इससे क्या होगी हमारे पास, टकराएगी, ये दर्पण क्या करेगा, इसका परावर्तन करेगा, और ये किरण कुछ इस तरीके से क्या हो जाएगी, निकल जाएगी। ठीक है, तो
ये जब हमारे पास यहाँ से टकराती है दर्पण से, तो दर्पण से टकराने के पश्चात ये जिस मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से गुजरती है उस बिंदु को हमने नाम दिया था। कौन सा बिंदु होता है? वो हमारे पास फोकस बिंदु होता है। तो ये कौन सा बिंदु हो गया? हमारे पास फोकस बिंदु हो गया। ठीक है, अब देखो जैसे हमने ऊपर की तरफ एक किरण ली है, ऐसे मान लो यहाँ पर कोई अगर वस्तु रखी होगी तो उससे एक किरण कहाँ आ रही है? ऐसे आ रही है, नीचे से भी आ सकती है। ठीक है, जैसे ये मान लो हमने क्या रखी है, मोमबत्ती रख दी है ना, तो यहाँ से इसके हर बिंदु से क्या निकल रहा है? प्रकाश। और प्रकाश किससे निकलेगा? किरणों के रूप में निकलेगा। तो एक किरण तो हमने इसके ऊपर वाले बिंदु से मान ली निकल के ऐसे जा रही है, और एक बार हमने कहाँ से मान ली? नीचे वाले बिंदु से। अब देखो ये भी किरण कहाँ से आ रही है? मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, इसके समांतर आ रही है जैसे ऊपर आ रही थी। तो अब इसके लिए भी क्या है कि जब ये मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो ये टकरा कर किससे जाएगी? वो ही फोकस बिंदु से जाएगी। यही तो फोकस की परिभाषा थी कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण दर्पण से टकराने के पश्चात कौन से बिंदु से गुजरती है? फोकस से गुजरती है। ठीक है, किससे गुजरेंगी? ये फोकस बिंदु से। तो अब देखो इसमें देखने में हमें क्या पता लग रहा है कि जितनी भी किरणें आएंगी वो दर्पण से टकराएंगी, और टकराने के पश्चात परावर्तन के पश्चात सारी की सारी जो किरणें आती हैं वो एक बिंदु पर मिलती है। मिल रही है ना सारी की सारी किरणें? सारी की सारी किरणें किस पर मिल रही है? एक बिंदु पर मिल रही है। यानी कि हम कह सकते हैं कि ये जो अवतल दर्पण है ये सारी किरणों को एक बिंदु पर क्या कर देता है? केंद्रित कर देता है। ठीक है, अवतल दर्पण किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित कर देता है, एक बिंदु पर केंद्रित कर देता है, इसलिए इसे अभिसारी, मिल रही है ना एक ही बिंदु पर, इसलिए इसे अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। इसलिए इसे क्या कहते हैं हम? अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। तो अवतल दर्पण को कौन सा दर्पण भी कहते हैं? अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। उत्तल दर्पण की बात करते हैं हम, है ना, इसमें हमारे पास क्या आती है? एक किरण आ रही है, और ये भी हमारे पास कैसी आ रही है? ये देखो यहाँ कोई वस्तु रखी होगी और वस्तु में से क्या आती हैं? किरणें। कुछ भी हो सकती है वस्तु, जैसे कि यहाँ पर क्या रखी हुई है? मोमबत्ती रखी हुई है ना। अब ये जो प्रकाश की किरण आ रही है ये इस पर टकराएगी चिकने वाले पृष्ठ पर, अभी आगे तो जाएगी नहीं, इसका क्या हो जाएगा? वापस वायु में से आ रही है, कांच पर पड़ी, वापस से किस में गई? ये वायु में गई, परावर्तन हो गया। अब ये परावर्तित किरण जो है वो पीछे हम बढ़ाते हैं तो ये किससे मुख्य अक्ष पर मिलती है, और ये जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु को उत्तल दर्पण में हमने पढ़ चुके हैं क्या कहते हैं? फोकस बिंदु कहते हैं। ऐसे ही अगर हम बात करें किसकी, एक ये नीचे वाले बिंदु से मान लो एक प्रकाश की क्या आ रही है? किरण आ रही है, आ रही है, और ये इससे टकराएगी, टकराने के पश्चात ये वापस इसी माध्यम में आएगी। देखो यहाँ वायु में से चली, ये कांच पर पड़ी और वापस किस में आ गई? वायु में आ गई। और जब ये पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो ये कहाँ मिल रही है? फोकस बिंदु। तो फोकस बिंदु उत्तल दर्पण में क्या होता है? जहां से परावर्तित किरण आती हुई नजर आती है। देखो ऐसा लग रहा है यहाँ से देखने पर कि इस बिंदु से आ रही है, जबकि वास्तव में ये यहीं से आ रही है टकरा के। ऐसे ही इसमें हो रहा है, नहीं हो रहा है इसमें, दोनों में हो रहा है। तो ये कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण। अब देखो यहाँ तो सारी की सारी किरणें एक बिंदु पर आ रही थी, यहाँ देखो ये किरणें क्या हो रही है? फैल रही है। क्या हो रही है? फैल रही है। यानी कि उत्तल दर्पण क्या करता है? उत्तल दर्पण
किरणों को, उत्तल दर्पण किरणों को क्या कर देता है? फैला देता है। उत्तल दर्पण किरणों को क्या कर देता है? फैला देता है। इसलिए इसे क्या कहते हैं हम? अपसारी दर्पण भी कहते हैं। इसलिए इसे अपसारी दर्पण भी कहते हैं। ठीक है, तो ये जो वर्ड मिलते हैं हमारे पास, क्या अभिसारी और क्या अपसारी, तो इनका मतलब क्या होता है? अभिसारी का मतलब होता है कि प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर क्या करना, केंद्रित करना। अपसारी का मतलब क्या होता है? कि प्रकाश की किरणों को फैला देना। अवतल दर्पण क्या कहलाता है? अभिसारी, क्योंकि ये एक बिंदु पर प्रकाश की किरणों को केंद्रित कर देता है, और वो बिंदु कौन सा बिंदु होता है? यहाँ पर फोकस बिंदु होता है। जबकि उत्तल दर्पण जो होता है वो प्रकाश की किरणों को क्या कर देता है? फैला देता है। ठीक है, तो ये किसकी बात हो गई? अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण की, जिसे हम क्या कह रहे थे? अभिसारी, और दूसरा क्या कहते हैं हम? अपसारी कहते हैं। ठीक है।